धन्यवाद सामल जी, आप सभी को नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ ट्राइबल स्टडीज द्वारा इंडियन सोसाइटी इन द एरा ऑफ पैंडेमिक्स विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे सम्मानित वक्तागण, प्रमुखतः प्रोफेसर आर शिव प्रसाद जी, प्रोफेसर देवी चैटर्जी जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, अत्राई साहा जी, इस कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर काशी युवारप्पा जी और डायरेक्शन दे रहे प्रोफेसर प्रसन्न कुमार सामल जी। अभी मैं सामल जी को सुन रहा था, इस विषय के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज वेबिनार में आप सभी प्रतिभाग कर रहे हैं और निश्चय ही जिन महानुभावों के नाम मैंने लिया उनकी वक्तृता से यह विषय समृद्ध होगा और आज का जो संकट है इसके समाधान में समाज की क्या भूमिका होगी इस पर भी हम सभी अवगत होंगे और इस तरह से एक राष्ट्रीय अभियान जो कोरोना से मुक्ति के लिए चल रहा है हम सभी उसमें अपना एक सार्थक योगदान कर सकेंगे। आज कोरोना के प्रभाव से पूरी दुनिया आशंकित भी है और आतंकित भी है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां समाज के परंपरागत मानक और विद्यमान व्यवस्था में कोई विशेष संतुलन रह गया, बहुत कुछ बदल गया है। पूरी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक गतिविधियां सब मिलकर एक नए स्वरूप में आज दिख रही हैं और जो व्यवस्था के संस्थान हैं वह सब इसे नियमित, नियंत्रित और निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस आपदा के दौर में कहीं कोई क्षरण ना हो और कहीं किसी की भावना का, किसी की व्यवस्था का और किसी की समझदारी पर घात प्रतिघात न हो और लोगों की मानसिकता सकारात्मक बनी रहे इसके लिए कोशिश हो रही है। यह एक ऐसा वायरस है, वायरस तो बहुधा अदृश्य ही होते हैं, एक ऐसा अदृश्य वायरस जिसका वैश्विक प्रभाव है। इसके पहले हम लोगों ने ऐसे किसी वायरस के बारे में नहीं देखा था, नहीं सुना था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया हो। पहले क्षेत्र विशेष में कुछ विषाणु आए जिनका प्रभाव रहा और पूरी दुनिया में चर्चा हुई, निदान के प्रयास हुए और उसमें सफलता मिली। आज इस वायरस का विश्वव्यापी प्रभाव है, इसलिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है इस समस्या के समाधान के लिए और वायरस जनित कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए पूरी दुनिया में नए प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, अनुसंधान कार्य चल रहे हैं ताकि मानवता को बचाया जाए, विद्यमान पीढ़ी को बचाया जाए और भावी पीढ़ी को इस प्रकार की आपदा का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाए। इस परिवेश में हमें समाज और उसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमारी यात्रा का श्री गणेश समाज के साथ ही होता है और जो भी उपलब्धियां होती हैं, खुशियां होती हैं, जब सामाजिक सहयोग मिलता है तभी उसका लाभ दिखता है, उसकी सार्थकता दिखती है, चाहे जिस प्रकार की गतिविधियां हों, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब में समाज की ही भूमिका होती है। हमारे मूल्य, मानक, जीवन शैली सब पर समाज का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज किस दौर में पहुंच गया, समाज के ऊपर इस आपदा का कैसा प्रभाव है, यह आज विचारणीय विषय है। केवल भारतीय समाज ही नहीं, वैश्विक संदर्भों में सामाजिक व्यवस्था भी आज विचारणीय है। जहां तक भारतीय समाज की बात है या दुनिया में कहीं भी समाज की बात है तो इसके कुछ विशिष्ट अवलंब होते हैं। समाज तैयार ही होता है संबंध से, संवाद से, सहयोग से, सक्रियता से, साहचर्य से और समझदारी से।
इन छह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के गठन में, विकास में और सामाजिक स्थिरता में। हम सब कुछ विशेष भूमिका लेकर के आते हैं और यह भूमिका समाज में हमारे संबंधों से निश्चित होती है। हम कहीं पिता के रूप में हैं, भाई के रूप में हैं, संतान के रूप में हैं, मित्र के रूप में हैं, सहयोगी के रूप में हैं, माता के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, बेटी के रूप में हैं, सहचर के रूप में हैं, सहचरी के रूप में हैं, मामा काका चाचा, तमाम संबंध इस प्रकार के हैं। एक पाश्चात्य भाषा में, विशेषकर अंग्रेजी में, अंकल से ही बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं। तो ये जितने संबंध हैं वह सब हमारी भूमिका निर्धारित करते हैं। हमें संतान के रूप में किस प्रकार से व्यवहार करना है, माता पिता के रूप में किस प्रकार व्यवहार करना है, मित्र के रूप में किस प्रकार व्यवहार करना है, सहयोगी के रूप में किस प्रकार व्यवहार करना है और विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं समाज में निर्धारित, निरूपित, उन संबंधों को लेकर के किस तरह से चलना है, इस पर समाज का गठन निर्भर होता है। समाज की गतिशीलता, समाज की व्यवस्था सब संबंधों से ही संचालित होती है। वस्तुतः संबंध ही हमारे दायित्व का निर्धारण करते हैं और हम अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हैं तो संबंध भी समादृत होते हैं। इसलिए संबंधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में। समाज एक दूसरे के साथ निकटता स्थापित करता है संवाद से, इसलिए संवाद का बहुत महत्व होता है। संवाद हम सीखते हैं माता पिता से, शिक्षक से, समाज के सभी सदस्यों से और यह संवाद ही हमें जोड़ता है। हम स्थानीय समाज से उठकर एक बृहत्तर समाज से जुड़ जाते हैं राष्ट्रीय फलक पर और उससे भी ऊपर उठकर हम अंतर्राष्ट्रीय समाज से जुड़ जाते हैं संवाद के धरातल पर। आज प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने और व्यवस्था ने एक बहुत सशक्त माध्यम दिया है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं या ऑनलाइन मोड कहते हैं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। यह संवाद ही आज इस आपदा के दौर में हमें मजबूती के साथ खड़ा रखे हुए है। इसी माध्यम के चलते हमारी गतिविधियां कहीं बाधित नहीं हो रही, हम सारे कार्य कर रहे हैं। भले ही इस कार्य संपादन का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन गतिविधियां थमी नहीं है। आस्थान बंद हुए हैं, स्थान बदल गया है, लेकिन कार्य चल रहे हैं। इसलिए संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज तब जीवंत होता है जब इसमें साहचर्य हो, साथ साथ चलने की प्रवृत्ति, तभी समाज दिखता है, समाज में बिखराव नहीं होता। साथ चलने की प्रवृत्ति जब घटती है तो उसी अनुपात में समाज का बिखराव बढ़ता है। जब हम स्थानीय धरातल पर, स्थल पर, स्थान में, परिवेश में साथ चलते हैं तो एक मजबूती दिखती है और राष्ट्रीय स्थान पर, राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय परिदृश्य में जब विभिन्न प्रकार के समाज एक साथ खड़े दिखते हैं तो राष्ट्र की अस्मिता चमकती है और राष्ट्र की शक्ति दमकती है, दुनिया को बोध हो जाता है। और वैश्विक फलक पर जब विभिन्न समाजों के बीच संचार होता है तो मानवीयता का उद्घोष होता है, मानवता शिखर पर दिखलाई देती है और सबके अंदर शांतिपूर्ण सहयोग की वृत्ति, शांतिपूर्ण सहयोग के साथ ही अस्तित्व की वृत्ति विकसित होती है। यह साहचर्य का भाव होता है। साथ ही सहयोग बहुत आवश्यक होता है समाज के सदस्यों के बीच में। यह सहयोग समाज को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप देता है। केवल सामाजिक धरातल पर ही नहीं, राष्ट्रीय धरातल पर जितने लक्ष्य होते हैं राष्ट्र के, उनके संचालन में सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासन के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसका अनुपालन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ही नहीं करना होता या सत्ता के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत लोगों के लिए ही नहीं होता, समाज के सभी सदस्यों के लिए होता है। आज आप देख रहे होंगे कि सत्ता प्रतिष्ठान के शिखर पर बैठे हुए कुशल नायक, आदर्श नायक जब अपनी बात कहते हैं तो उनके साथ समाज का सहयोग अभीष्ट होता है, आवश्यक होता है और हम सब जब सहर्ष सहयोग करते हैं
तो शासन की नीतियां सही दिशा में अपना प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सहयोग करते हुए इस वैश्विक आपदा से निपटने में समर्थ हो सके हैं और सफलता की ओर अग्रसर हैं। इसलिए सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समाज को आगे ले चलने के लिए, पुरानी कड़ी को नई कड़ी के साथ जोड़ने के लिए और कड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आशा भरी निगाह से देखना होगा। हमेशा हमारे अंदर आशा और अभिलाषा के भाव होने चाहिए। यह आशा और अभिलाषा ही हमारी सक्रियता का कारण होता है और जब हम सक्रिय होते हैं तो समाज चलता हुआ दिखलाई देता है, दौड़ता हुआ दिखलाई देता है। वस्तुतः मनुष्य बना ही इसीलिए है, जिसके लिए उद्घोष है, चरै वेति, चलते रहो, और इसी चलने में ही सक्रियता दिखलाई देती है। यह सब कुछ तब अच्छा लगता है जब हम सभी के बीच में पारस्परिक समझदारी हो। समाज समझदारी पर ही टिका होता है। यह समझदारी संबंधों की होती है, सहयोग की होती है, सक्रियता की होती है और समाज द्वारा निरूपित उस राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ होती है जिसकी छत्र छाया में एक देश के सभी निवासी सुरक्षित होते हैं, सुविधा प्राप्त करते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाते हैं। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। भारतीय समाज इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज कहा जाता है, जहाँ सब प्रकार की स्थितियाँ जिसकी मैंने चर्चा की देखने को मिलती हैं और यह चरितार्थ होती रहती है। आज जो विषम स्थिति है उसमें समाज के तीन अवयव अवलंब और कार्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। ये तीनों क्षेत्र हैं अध्ययन, आस्था और आजीविका के क्षेत्र। आज अध्ययन के जो संस्थान हैं, शिक्षालय, वह बंद हैं। जो आस्था के केंद्र हैं पूरी दुनिया में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जैन मंदिर, जितने भी हैं, पारसी लोगों के आस्था के स्थान, यहूदी लोगों के आस्था के स्थान, सब बंद पड़े हैं। और आजीविका के जो प्रमुख केंद्र हैं, जिन्हें हम उत्पादन और नियोजन का केंद्र कहते हैं, उद्योग या सेवा स्थल के नाम से जिन्हें जानते हैं, वह सब आज बंद पड़े हैं। तीन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस आपदा का और यही तीनों समाज को प्रसन्न रखने के कारक और कारण हैं। अध्ययन से ही समाज के सदस्य आगे बढ़ते हैं। विकास का पहला आधार अध्ययन होता है। उसके बाद अगर कहीं हम डिगते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम प्रत्यक्ष समाधान नहीं कर पाते, तो फिर हमें आस्था के केंद्र का ध्यान करना पड़ता है कि हम उन केंद्रों से सहयोग लें। कई प्रकार से आस्था के केंद्र हमारा सहयोग करते हैं। आस्था का केंद्र केवल प्रत्यक्ष परोक्ष शक्तियों से मिलन ही नहीं कराते, सूक्ष्म से विराट तक की यात्रा ही नहीं कराते, अदृश्य को सदृश्य ही नहीं बनाते, अपितु वह हमें संबल भी देते हैं और आजीविका का स्थान भी देते हैं। ऐसे धार्मिक केंद्रों में बहुत सारे लोगों को आजीविका भी मिली हुई है। यहाँ से शिक्षण कार्यों का भी संचालन होता है, इसलिए हमारे लिए वंदनीय है, पूज्य है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जब मनुष्य में आशा धीरे धीरे कम होने लगती है, संशय भय की स्थिति तक पहुंच जाता है, तब हमें इन आस्था के केंद्रों से मदद मिलती है। अभी आप लोगों ने हाल में देखा होगा, इटली में जब आपदा ने भयंकर स्वरूप प्राप्त किया तो वहां सत्ता प्रतिष्ठान को कहना पड़ा कि अब सब कुछ ईश्वर के भरोसे है। तो आस्था के केंद्र भी आज बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आस्था से दूर हो गए हैं। आस्था के फलक हैं प्रभु चरित्र का पठन अध्ययन, प्रभु चरित्र का मंचन, प्रभु चरित्र का श्रवण और प्रभु चरित्र का मनन, प्रभु चरित्र का, प्रभु स्वरूप का दर्शन। हम प्रभु स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे जो मंदिर में है या जो आस्था के केंद्रों में है, लेकिन हम उनसे संबंधित जितने ग्रंथ हैं आज की स्थिति में हम सब पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं।
हम उनका मंचन भी देख रहे हैं, जो संचार के साधन हैं, दूरदर्शन है या जिसे आप टेलीविजन कहते हैं, दुनिया के विभिन्न संदर्भों में हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो है, दूसरे देशों में ब्रॉडकास्टिंग के जितने भी नाम हैं, BBC से लेकर अन्य तक, वॉइस ऑफ अमेरिका तक, रूस से जो प्रसारण होता है, आप वहाँ सबके बारे में, जो ईश्वर है, जो शक्ति है, उसके बारे में आप, उनके चरित्र के बारे में सुन सकते हैं, सुन भी रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सर्वोपरि हम आज मनन करने की स्थिति में हैं। क्या हम ईश्वर का मनन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं? इसलिए आस्था से हम कभी कट नहीं सकते, जो आस्था के स्थान हैं उससे हम दूर जरूर हुए हैं, लेकिन एक अवध विशेष के लिए थे, अब वह भी धीरे धीरे खुल रहा है। अर्थात ऐसे में भी समाज ने हमारे जो आस्था के प्रति लगाव के रास्ते हैं उसको जीवंत रखा है। हम परिवार में ही सबके साथ उनके बारे में सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज जो बात बन गई है वो आजीविका को लेकर के है, और यही आजीविका समाज के गठन को भी निर्धारित करती है। हमारे यहाँ के समाज में एक मान्यता है कि जो कमाता है वह खिलाता है। कमाने वाले घर पर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, निकटस्थ स्थान पर भी हो सकते हैं, दूरस्थ स्थान पर भी हो सकते हैं। आज आजीविका के केंद्र बंद होने से एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरी दुनिया में, और अपने ही देश में हम पलायन की स्थिति में हैं, पुनः वापसी की स्थिति में हैं, आगे किस तरह जाएं इस पर विचार की स्थिति में हैं। इस दशा को विभ्रम के नाम से जाना जाता है। आज का जो समाज है इस पर हमें चिंतन की विशेष आवश्यकता है। क्या जो नगर महानगर बने हैं, शहर बने हैं, इन शहरों के पास, महानगरों के पास समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कामगार हैं उनके लिए कोई नियोजन नहीं है, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है? क्या वह जब तक अपने श्रम का प्रयोग करते रहेंगे इन स्थानों, उद्योगों के विकास में, उत्पादन की वृद्धि में, तभी तक उपादेयता है? उसके बाद क्या होगा? आज यह एक विचारणीय विषय है कि आगे से जब भी नगर नियोजन हो तो उस समाज में ऐसे लोगों का भी एक सम्मानजनक स्थान हो जो नगर के बसाने में, बढ़ाने में, बनाने में, संवारने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन औद्योगिक स्थलों पर भी इस कामगार समाज के लिए एक सम्मानित स्थान हो जो उत्पादन के कारक हैं, जिनके चलते उत्पादन हो रहा। यह एक आज विचार करने का विषय है। हमारा समाज केवल स्थानीय समाज नहीं है, हम केवल यही नहीं, हमारा समाज एक बृहत्तर समाज है। इस समाज का कोई भी व्यक्ति जहां भी है वह बृहत्तर समाज का सदस्य है। इसलिए आने वाले दिनों में जो सामाजिक संरचना होगी इस व्यवस्था के बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि समाज केवल सुविधा संपन्नता ही नहीं है, सुविधा भोग के लिए ही नहीं है, सुविधा के साधन उत्पन्न करने वाले लोगों की सुविधा की चिंता करने वाला भी होना चाहिए। केवल यह कार्य सत्ता प्रतिष्ठान का नहीं है कि वह ऐसे लोगों के लिए चिंता करे, चिंतित रहे, नीतियां बनाए, नियोजन करे जैसा हो रहा है, उस समाज का भी दायित्व तो बनता है जिसके पास ऐसे लोग जाकर के सेवा कार्य में सहयोग करते हैं, उत्पादन में सहयोग देते हैं अथवा विकास में सहयोग देते हैं। अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत है। विकास सबके लिए होना चाहिए, और जो विकास के प्रमुख लोग हैं, योगदान करने वाले, उनके लिए भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए वैकासिक स्थानों पर। यह समाज केवल एक व्यक्ति का समाज नहीं है, केवल कुछ इकाइयों का समाज नहीं है, यह समाज हम सभी का है, एक राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर भी। अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिन राष्ट्रों ने सुविधा के साधनों को संपन्नता का आधार माना, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सुविधा के साधन और संपन्नता के प्रतिमान ऐसे हालात में कोई अर्थ नहीं रखते। सब एक धरातल पर खड़े हैं, चाहे सुविधा संपन्न हो या सुविधा से थोड़ा कम संपन्न हो, आज की तारीख में सब एक समान धरातल पर खड़े हैं और एक जैसे संशय की स्थिति में हैं, और सभी एक समान अपने जीवन की रक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए यह समाज ही है जो आज के हालात में हमें अवलंब प्रदान करेगा। हम लौट के अपने घर आए हैं, अपने परिवार के पास आए हैं, परिवारिक जनों के बीच में आए हैं,
संक्रमण से प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए मूल स्थान का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे उन्नयन के लिए जो हमें छोड़कर दूर गए थे, चाहे इस देश में अथवा दुनिया में कहीं भी वापस आए हैं, तो ऐसे हालात में उनके रहने का एक बेहतर प्रबंध होना चाहिए, उनके साथ निरंतर संवाद होना चाहिए और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर संक्रमण घातक नहीं होता और हर संक्रमित व्यक्ति नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है, और हर संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर देगा ऐसा भी नहीं है। यह समझदारी होनी चाहिए। प्रिकॉशन हमें लेना है, मुंह पर मास्क लगाना है, एक सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। सामाजिक दूरी मतलब समाज से दूरी नहीं, हम जहां भी समाज में हैं एक निश्चित दूरी हमारे बीच में होनी चाहिए, ताकि यह वायरस जो श्वास के माध्यम से हमारे मुख से जो श्वास निकलता है उसके माध्यम से दूसरे मुख के पास तक पहुंच रहा है, इस पर विराम लगाने के लिए दूरी है, इस पर विराम लगाने के लिए मास्क है, इस पर विराम लगाने के लिए सैनिटाइजर है, इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो भी कहीं से भी आया है उसके साथ लगाव में कमी नहीं होनी चाहिए। समाज लगाव के नाते जाना जाता है, दुराव के नाते नहीं जाना जाता। यह कार्य पूरे देश में होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए। आप्रवासन को इस संदर्भ में नहीं जोड़ना चाहिए। हम निवास करने गए हैं, सहयोग करने गए हैं, लौटे हैं तो अपने निवास स्थान पर आए हैं, यह भाव सबके मन में होना चाहिए कि हम अपने ही बीच में अब पराए नहीं हैं और अपने ही देश में हम अनसुने नहीं हैं। यह भाव सबके बीच में होना चाहिए और यह व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार केंद्र में और जहां भी राष्ट्रों में निरंतर सन्नद्ध है। और यह बात बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भी बताया जा रहा है और सबको अपने अंदर यह भाव रखना चाहिए कि हम अपने देश में न तो पराए हैं, न तो बेगाने हैं और न ही हम सुविधा से हीन होने वाले हैं। समय की बात है, थोड़ा परिवर्तन होगा, सब स्थितियां पुनः सामान्य होंगी और हम आगे की ओर चलेंगे। बहुत कुछ समाज की गतिविधियों से भी तय होता है आज के संदर्भ में। इस संकट ने कुछ चीज़ों को, समाज में जो गतिविधियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसे बहुत सारे वैवाहिक कार्यक्रम रुक गए हैं, खेल कूद के मैदान में जाना हमारा रुक गया है, पार्क में जाना हमारा रुक गया है, ये सब गतिविधियां रुकी हैं, बाजार में जाना हमारा रुक गया है, जो माल है आधुनिक सुविधा से सुसज्जित वहां जाना हमारा रुक गया है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि ये जो बाजार समाज हो गया था और व्यक्ति हाइपर इंडिविजुअल हो गया था, अपने लिए सोचने लगा था, अति व्यक्तिगत हितों का आग्रही, अब उससे हमारी दूरी हुई है। हमारी बाजार समाज पर निर्भरता और बाजार समाज के प्रति लोलुपता अब कम हो गई है। जो अति वैयक्तिक सुखानुभूति का भाव था इसमें कमी आई है। अब हम परिवार के बीच में हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं, उनके साथ संबंध संवाद बनाए हुए हैं, अब हम साथ साथ खाना खाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम काम के दबाव में अथवा कार्यालय के प्रभाव में अथवा कार्य कराने वाले के दबाव में हम भागते रहते थे, अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हम सभी अपने लोगों के पास हैं, पूरा देश ही अपना है, लेकिन एक मूल समाज होता है जिसमें हम बैठे हुए हैं, हम साथ साथ खाना खा रहे हैं, साथ साथ बातचीत कर रहे हैं। और अब हमें साफ दिखलाई देने लगा है कि खान पान के जो आधुनिक उपाय हैं वो अब बहुत सार्थक नहीं है। हमारा संबल, हमारा जीवन और हमारा विकास उन खाद्य सामग्रियों से होना है जिसे प्रकृति ने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिया है और हमारे परिवेश में जो सदियों से स्वीकृत है। खान पान की जो परंपरागत विधा है आज वह हमारे लिए बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में स्थानीय उत्पाद का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ इसे आदिवासी अंचल कहा जाता है, जिसके बारे में प्रोफेसर सामल जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। यहाँ के लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, कारण कि जो प्रकृति ने हमें खान पान की सामग्री दी है, जो अन्न दिया है, उस पर इस क्षेत्र में निर्भरता है। सावा, टांगुन, मड़ुआ, कोदो, अमरकंटक कोदो तो आजकल दुनिया में विख्यात है, जिसके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यहाँ शहद, यहाँ का शहद दुनिया में मान्य है।
प्राचीन काल में ऋषि मनीषी हजारों हजार साल तक होते थे, सक्रिय रहते थे, वो कंदमूल खाकर रहते थे। वह कंदमूल से समृद्ध यह क्षेत्र है, अब पुनः कंदमूल पर विचार करने की जरूरत है। आधुनिक औषधियां इस वायरस का समाधान नहीं कर पा रहे और वनौषधियों में इसका उपाय है। तुलसी, गिलोय, नीम की पत्ती और भी बहुत सारी औषधियां हैं जिनसे हम अपने को सुरक्षित बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को बचाने में समर्थ हैं, और इसका अब समयानुकूल शोधन होने की जरूरत है। तो इस क्षेत्र में यह विशेषता है, सक्रियता है, प्रतिरोधक क्षमता है, और यह पूरे संसार को समझने की जरूरत है कि जिसे हम एक जनजातीय समाज कहते हैं उसके पास एक विलक्षण मेधा है वनौषधियों से निरोग रहने की, वनौषधियों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, और जो स्थानीय उपज है इससे हमेशा मजबूत रहने की। इस उपज की दो विशेषताएं हैं, एक तो अनुचित लोभ की तरफ यह नहीं बढ़ाता और दूसरा यह संतोष पर बहुत ज्यादा बल देता है। तो यहाँ के उपज से अगर हमें संतोष मिलता है और अनावश्यक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ती है तो इससे उत्तम तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। हर जगह स्थानीयता में सद्गुण होता है। अब पूरी दुनिया में अपने स्थानीय अंचल के उत्पादों पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे बहुत कल्याण होने वाला है। इस तरह से हम नियमित रूप से आगे बढ़ेंगे। जहां तक आजीविका की बात है, अब हमें पुनः लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग पर विचार करना है। इससे ज्यादा आत्मनिर्भरता मिलेगी, इससे ज्यादा सस्ता उत्पादन होगा और हम वैश्विक फलक पर अपने उत्पाद से, अपने उत्पादनों से हम एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। यह कौशल हर आंचलिक क्षेत्र में है। आंचलिकता एक विशेष प्रकार के कौशल से परिपूर्ण होती है। आज पुनः उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हमें अब लोकल के प्रति वोकल होना पड़ेगा और लोकल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ऐसा करके हम पुनः आत्मनिर्भर होंगे। कृषि क्षेत्र पर पुनः ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर आज किसी भी प्रकार के आर्थिक दबाव से मुक्त हैं तो यह भारतीय समाज की विशेषता है। हम अपने संग्रह, संचय और संतोष के चलते किसी भी प्रकार के आर्थिक दबाव में नहीं आते। हमारे यहाँ जब कृषि उपज होता है तो हर किसान कम से कम साल भर के लिए अन्न अपने पास रखता है, उसके अतिरिक्त अन्न को वह बाहर भेजता है। तो कोई संकट आए, साल भर तो कोई चिंता की बात होती ही नहीं। इसीलिए भारतीय समाज और भारत राष्ट्र कभी भी आर्थिक मंदी से बहुत प्रभावित नहीं होता। औद्योगिक उत्पादन समय के साथ फिर होने लगेगा, पुनः जो विकास के क्षेत्र हैं वो लहलहाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ दिनों के लिए यह बाधा है, कोई बाधा अस्थायी नहीं होती और कोई समस्या भी अस्थायी नहीं होती। उसका निराकरण मानव समाज के पास ही होता है। यह पुरुष का पुरुषार्थ है और हमारी जिजीविषा है, जिसके चलते हम पुनः अपने राष्ट्र को जो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की तीव्र यात्रा थी उसे और तीव्रतम बनाएंगे और दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र होकर हम खड़े होंगे। आज हम एक महानायक के नेतृत्व में उस मुकाम पर हैं कि कोई भी राष्ट्र आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। जो ऐसी कोशिश कर रहा होगा, सोच रहा होगा, उसकी दृष्टि अब बाधित होने वाली होगी और उसके पैर अब डगमगाने वाले होंगे। यह हिंदुस्तान की सामर्थ्य है। आज दुनिया के सारे देश इस आपदा से मुक्त होने के लिए हिंदुस्तान से निरंतर सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और हम मानवता के कल्याण के लिए निरंतर सहयोग भी दे रहे हैं। यह भारतीय समाज की शक्ति है। इस शक्ति पर हमें भरोसा रखना चाहिए और भारत को दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपनी परंपरा के साथ ही साथ अधुनातन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय समाज समन्वयवादी समाज है, समरस समाज है। यही समरसता हमारे समाज को मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है और यही समरसता
सामाजिक गतिशीलता का कारक है। आइए हम सभी इस समृद्ध समाज में अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करें, अपने सुखी रहें, औरों को सुखी रखें और सबके विकास की कामना करें, उसमें अपना योगदान करें। एक बहुत अच्छे विषय पर वेबिनार रखने के लिए प्रोफेसर सामल जी को बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को, ट्राइबल स्टडीज संकाय के सारे शिक्षकों को मेरी ओर से बधाई, और जो लोग भी प्रतिभाग कर रहे हैं, प्रमुख वक्तागण जो इससे जुड़े हैं, प्रतिभागीगण अथवा जो भी दर्शक और श्रोता के रूप में हैं, सबके उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।